समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था, आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पर ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पर सवाल करेंगे, ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे? ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे? काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा? वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहाँ चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब सर तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती हैं, उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही बहुत है। शांति रूपेण संस्थिता
धन्यवाद।